नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश और ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं सृष्टि शर्मा और इस बुलेटिन की शुरुआत में महाराष्ट्र चलते हैं क्योंकि वहां से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे महाराष्ट्र में मास्क लगाना अब अनिवार्य नहीं है। जहां पे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने आज इसका ऐलान कर दिया है कि कोरोना से जुड़ी पाबंदियां खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अप्रैल से मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा, यानी ये ऑप्शनल होगा। मास्क नहीं लगाने पर कोई जुर्माना नहीं होगा और इस तरह महाराष्ट्र मास्क को सबसे पहले वैकल्पिक बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है। हालांकि उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन कराएं। बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने महामारी एक्ट और आपदा प्रबंध एक्ट को खत्म करने का फैसला लिया है और ये दोनों कानून पिछले 2 साल लगभग देश भर में ही लागू थे। पर आइए चलते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज क्या कुछ अपने अनाउंसमेंट्स किए, उस पर नजर डालते हैं। गुड़ी पाड़वा जो 2 अप्रैल है, या 2 अप्रैल पासून आपण इपिडेमिक डिजीज ऍक्ट आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट ह्या 2 ऍक्टला जे आपण लागू केलं होतं राज्याला आणि त्या ऍक्टच्या तरतुदीच्या माध्यमातून अनेक निर्बंध या महामारीमध्ये आपण लावले होते, ते दोन्ही ऍक्ट विथड्रॉ करण्याचं काम मंत्रिमंडळाने आज केलेलं आहे आणि त्यामुळे जे काही निर्बंध हॉटेलमध्ये 50% लोक उपस्थित असावेत रेस्टॉरंटमध्ये किंवा बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये, मास्क डबल वॅक्सिनेशन असावं, मास्क कंपल्सरीच असावं, ह्या सगळ्या ज्या काही निर्बंध होते ते निर्बंध आता हटवण्यात आलेले आहेत। तो चलिए अब इसी पे और आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ मुंबई से 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, खुशबू तिवारी और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक अवस्थी। सबसे पहला खुशबू, हम आपके पास आना चाहेंगे कि क्या कुछ और अनाउंसमेंट्स हुए हैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे हेल्थ मिनिस्टर और साथ ही सीएम ने क्या कुछ बयान दिया उसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, पहले तो जो मैंने मास्क पहना है, इस मास्क को अब हटाने की इजाज़त मिल चुकी है। यानी जितने भी जो कोविड-19 से जुड़े नियम थे उनको हटाने को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट ने ही नहीं फैसला लिया, लेकिन साथ ही दिल्ली में भी इस पर फैसला आ चुका है कि अब ये जो मास्क है उसे हटाया जा सकता है। वॉलंटरीली होगा, लोग चाहें तो इसे पहने रख भी सकते हैं और लोग चाहें तो इसे निकाल भी सकते हैं। बड़ी बात ये है कि उन पर अब कोई भी फाइन या चार्ज नहीं लगेगा। मसलन दिल्ली में 500 रुपये का चार्ज था और मुंबई में भी इसी तरह के चार्जेस लागू थे जो लोग पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनते थे। कोविड-19 से जुड़े जो अन्य रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, चाहे शॉपिंग मॉल हो, सिनेमा हॉल्स हो या किसी भी तरह की जो भी पब्लिक गैदरिंग होती थी, शादियां हो या कोई भी और पब्लिक गैदरिंग हो, उन सभी पर से अब ये कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे। यानी जो नॉर्मलसी की बात हम काफ़ी सालों से या पिछले 2 सालों से उम्मीद बनाए बैठे थे, वो नॉर्मलसी अब आते हुए दिख रही है। तो चलिए कि काफी राहत की बात, पर अगर हाल फिलहाल देखा जाए क्योंकि कोरोना के मामले काफी कम हो रहे थे, तो अभिषेक आप ग्राउंड पे हाल बताइए कि इस घोषणा के, इस औपचारिक ऐलान के पहले भी मुंबई में खास तौर से अगर आप देखें तो किस तरीके का मूड माहौल था? क्या लोग वहां पे ठीक तरीके से मास्क लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे कि जो लाइफ है वो अपनी तरह पटरी पे वापस लौट चुकी थी प्री कोविड काल की अगर बात करें, और इस औपचारिक ऐलान के बाद लोगों का रिएक्शन क्या है? जाहिर तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं इस वक्त सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हुई और ये महत्वपूर्ण निर्णय लोगों को दिया गया। और अगर मैं आपको बता दूँ कि 2 अप्रैल महाराष्ट्र लोगों का नव वर्ष, नया साल माना जाता है, तो ये सबसे बड़ा तोहफा महाराष्ट्र की सरकार का महाराष्ट्र के लोगों को दिया गया है कि सारे कोविड के रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से हटा दिए गए हैं, 2 तारीख से ये लागू किए जाएंगे और दूसरा मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रहेगा। और ये भी पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि आप वॉलंटरली पहन सकते हैं, आपको पहनना है तो पहनिए। बट एक खास बात अगर बता दूं कि उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक इमोशनल और मॉरल अपील की है सभी लोगों से
कि उनकी बात माने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। जहां पर आपने कहा मास्क का, आप अगर देखेंगे तो सिग्नल कहें या कोई भी चार रास्ते पर हमें बीएमसी मार्शल दिखा करते थे और कहीं ना कहीं हम मास्क नीचे पहनते थे या नहीं पहनते थे तो हमें फाइन लग जाता था, हम डर के मारे ऊपर नीचे कर लेते थे। तो इस तरीके का माहौल 2 तारीख के बाद आपको नहीं दिखेगा। और कहा रिएक्शंस की बात, तो डेफिनेटली लोगों के बीच में मिक्स रिएक्शन है। कोई लोग इसे सारा एक अच्छा कदम बता रहे हैं, कोई लोग इससे नाराज भी है, वो ये भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ये करना सही नहीं था। बट पूरे तौर पे देखा जाए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, महाराष्ट्र ये पहला राज्य है पूरे देश में जिसने ये मास्क फ्री करने का डिसीजन लिया है। तो ये पहला कदम महाराष्ट्र ने उठाया है, देखते हैं आगे चल के कितने राज्य इसे फॉलो करते हैं। जाहिर तौर पर केंद्र, टास्क फोर्स और सबको मिलाकर ये निर्णय लिया गया है। और आने वाले जो क्षण है, जैसे हिंदू धर्म के कहे, क्रिश्चियन धर्म के कहे, बहुत सारे क्षण आने वाले हैं, त्यौहार मनाने वाले हैं, इन त्यौहारों को मद्देनजर और जिस तरीके से त्यौहार कोविड के पहले मनाए जाते थे वो मंशा रखते हुए ये डिसीजन लिए गए हैं। और ये महाराष्ट्र के लोगों के हित के लिए लिए गए हैं और अपेक्षा ये है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन ये जरूर करते रहे। तो चलिए अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये जरूर तौर पे कि लोगों ने इस निर्णय का काफी स्वागत किया है और डेफिनेटली एक राहत की बात है महाराष्ट्र के सभी लोगों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने कि ये कोविड प्रोटोकॉल की जितनी भी पाबंदियां थी वो हटाई और साथ ही मास्क लगाना भी अब अनिवार्य नहीं रह गया है राज्य में। पर चलिए, आप दोनों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए, अभिषेक और साथ ही खुशबू। पर अब हमें एक्सपर्ट के पास चलते हैं, हमारे लाइव गेस्ट जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आज मौजूद है मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल से प्रदीप शाह। डॉक्टर प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पे। आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र में, जहां पे महाराष्ट्र को मास्क फ्री करने का ऐलान कर दिया गया है। 2 अप्रैल से मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा, साथ ही और जितनी पाबंदियां थी वो भी हटाई गई हैं। लोग इसका काफी स्वागत कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि भारत में कोरोना के केसेस भले ही कम हो रहे हैं पर दुनिया भर से हमें खबरें मिल रही हैं लॉकडाउन की भी, साथ ही कोरोना मामले बढ़ने की भी। ऐसे वक्त में क्या ऐसा निर्णय लेना सही है, इस पे आप क्या राय रखते हैं? थैंक यू वेरी मच खुशबू जी। एक्चुअली ये अभी तो फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अभी 2 साल से अभी सब लोग मास्क पहन पहन के ऐसे लगता था जैसे कुछ हम लोग जेल में फंस गए हैं, तो लोगों को तो एक राहत मिलेगी इस वजह से। बट जो लोग, जो वल्नरेबल लोग हैं, मतलब जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे बूढ़े लोग हैं या जिनको कुछ बीमारियां हैं, डायबिटीज है, ये लोगों को मास्क पहनना चालू ही रखना चाहिए, क्योंकि मास्क की वजह से कोरोना पे तो थोड़ा मतलब अभी कोरोना के केसेस तो कम हो गए हैं, लेकिन दूसरे जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है जो अपने खांसी से या रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो होते हैं उसके ऊपर भी काफी कंट्रोल आ गया था। तो एक कोविड तो एक बीमारी है, लेकिन ऐसे कई दूसरी बीमारियां हैं जैसे स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कम्युनिकेबल। तो ये अगर मास्क नहीं रहेगा तो वो लोगों को होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अभी डॉक्टर लोगों से भी मैंने काफी बात किया, जो एक्सपर्ट लोगों से भी हम लोग बात करते हैं, तो उनका मानना ऐसा है कि थोड़ा स्लोली हम लोग मास्क निकालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी 4-6 महीना और मास्क हम लोग को पहन के रहना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना का जो वायरस है ये इसका म्यूटेशन कुछ होगा और फिर और कुछ छोटी मोटी लहर आ भी सकती है। तो दोनों चीजें है, लेकिन फिलहाल तो ये बहुत बड़ा अच्छा फैसला है, लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी। और बाद में फिर जैसे भी सपोज कोई बीमारी का प्रादुर्भाव बढ़ने लगा तो हम लोग मास्क फिर से पहन भी सकते हैं। तो चलिए,
प्रदीप जी, ये बहुत ही अच्छी और राहत की बात है जहाँ पे डॉक्टर्स एडवाइस यहाँ पे मिल रही है हमारे सभी दर्शकों को कि अगले 4 से 6 महीने के लिए आपको फिर भी मास्क लगा लेना चाहिए। धीरे धीरे आप मास्क हटाने का प्रयास करें क्योंकि छोटी मोटी लहर फिर से आए और फिर से दिक्कतें बढ़ें, ऐसा जो है कोई भी नहीं चाहेगा। इसके लिए आप मास्क धीरे धीरे हटाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, जैसे कि महाराष्ट्र के CM भी बोल रहे हैं। प्रदीप जी, अगर हम बात करें कि जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि बूढ़े लोग हैं या जिनको को मॉर्बिडिटीज हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या, क्योंकि आने वाले समय में काफी सारे हिंदू धर्म के त्योहार हैं जो कि रहेंगे, ढेर सारी शादियां हैं, वहां पे क्या खतरा बढ़ जाता है कि कोरोना के मामले फिर से आए? और इसको लेकर अभी हॉस्पिटल्स की अगर कोई वेव आती है तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए, पिछली बार भी जब सेकेंड वेव आई थी वो बिना बताए किसी को आई थी और वो बहुत ही भयावह थी, कोई नहीं चाहेगा कि वैसा हो, पर मुंबई ने काफी अच्छे तरीके से, मैं कहूंगी महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे तरीके से इसको फाइट बैक किया। बट अभी ये सारी पाबंदियां तो हटा रही है सरकार, बट इसके अलावा क्या ऐसा भी हो सकता है कि तैयारियां अपनी तरह से पूरी तरीके से जारी हैं और हम तैयार हैं उसे लड़ने के लिए? हाँ, अभी तो मतलब ये जो सेकंड या थर्ड वेव जो आया, तो इसका मतलब फर्स्ट वेव से तो उसका जो इम्प्लीकेशन था फर्स्ट सेकंड वेव से तो काफी कम था, और काफी जगह पे तो मालूम भी नहीं पड़ा कि कोरोना की मतलब लहर आ गई मतलब इन अवर कंट्री। लेकिन कोरोना का क्या है, कोरोना सी का 3 C 3 C's वी शुड रिमेम्बर, मतलब क्राउडिंग, कोमॉर्बिड कंडीशन और कम्युनिकेशन डिस्टेंस। तो ये जो सी का अगर हम लोग मतलब थोड़ा ध्यान रखेंगे, ओवर क्राउडिंग रहेगा तो क्या है कि जो भी छूत की जो बीमारियां रहती है वो सब एक दूसरे को फास्ट मतलब हो सकती है, और वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है बूढ़े लोग है या जिनको कोई फेफड़े की बीमारी है, वो लोगों को तो मतलब मास्क पहन के ही रखना चाहिए। बट ये तो एक रिलीफ हो गया है कि जो शादियां होती थी या कुछ भी जो त्यौहार होते थे उसमें सब हम लोग एक दूसरे को मिल भी नहीं पाते थे या मतलब काफी उसमें दिक्कत होती थी, वो अभी निकल जाएगी। ठीक है, तो देखना होगा कि आगे चल के क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है राज्य में रहने वाले सभी लोगों को। दिल्ली में भी हमारी संवाददाता खुशबू तिवारी बता रही हैं कि मास्क हटाने की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। अब देखना आने वाले समय में काफी अहम हो जाएगा कि बाकी राज्य इसे किस तरीके से इस पे अपने कदम उठाते हैं। पर इसी के साथ प्रदीप जी, अभिषेक जी और साथ ही खुशबू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हीट वेव की। देश भर में हीट वेव आ रही है, ये गर्मी का तूफान किस तरीके से आ रहा है आइए देखते हैं। ये तो अभी लास्ट मार्च लास्ट चल रहा है, धूप तो इस तरह पड़े जैसे मई जून का महीना हो। बार गर्मी बहुत पहले आ गई है, इसका मतलब गर्मी अगर इस टाइम ज़्यादा है तो जुलाई जून जुलाई तक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। तो एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ आफत, गर्मी से पूरे देश झुलस रहा है जहां मार्च में ही जून जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। ऐसी पहली बार है कि मार्च में लगातार चौथे दिन सभी मैदानी राज्यों में शहर के पारा 40 डिग्री के पार हो गया है, जहां पे मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ेगी। महाराष्ट्र में भी गर्मी ने 50 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी है जिनके पास कुछ आंकड़े हैं। उत्कर्ष, देखिए जब हम बात करते थे अक्सर मार्च की तो हम बात करते थे फागुन की, स्प्रिंग की, गर्म सर्दियों और गर्मियों के बीच का जो आप प्लेजेंट मौसम कहते हैं, पर इस बार कुछ प्लेजेंट है नहीं यहाँ पर, क्योंकि जैसे आपने कहा सारे आंकड़े टूट चुके हैं। सबसे पहले हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और अगर आप देखें जो आंकड़े की चंद्रपुर में
44.2 है। सोलापुर की बात करूं 42.8, परभणी में 40 डिग्री सेल्सियस, मुंबई जहां पे गर्मी भी नहीं पड़ती है और सर्दी भी नहीं पड़ती है, आप कहते हैं या तो यहां बारिश होती है प्लेजेंट रहता है, वहां पे भी 33 डिग्री सेल्सियस। पुणे एक प्लेजेंट जगह है जहां पे प्लेजेंट मौसम रहता है 32 डिग्री सेल्सियस, और नासिक में 38 डिग्री सेल्सियस तक पारा जा चुका है। हम बात करें महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र से आते हैं दिल्ली पे, देश की राजधानी पर। अगर आप देश की राजधानी के भी आंकड़े देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ही निकलेंगे। अगर हम राजधानी की बात करें, दिल्ली में 41 डिग्री सेल्सियस, नोएडा में 40.5, गुरुग्राम में 38, उत्तर प्रदेश में आते हैं कानपुर में 41.8, प्रयागराज में 42.5, वाराणसी में 40.2, लखनऊ में 40 और झांसी में 41, यानी कि गर्मी से आपको इनमें से किसी शहरों में तो कोई राहत नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं कहां कहां रिकॉर्ड टूटे हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे दिल्ली की। दिल्ली में 50 साल बाद सबसे ज़्यादा गर्मी हुई है। मार्च 1973 में पारा 39.6 डिग्री था और पिछले साल 30 मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था। अगर दिल्ली के नरेला की बात करें, अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा, सामान्य से 10 डिग्री ज़्यादा। 3 से 4 दिनों तक पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की ही आशंका है। ये तो बात हुई दिल्ली एनसीआर की, लेकिन महाराष्ट्र में भी पसीने छूट रहे हैं। महाराष्ट्र के क्या आंकड़े आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर ने फिर से 50 साल का गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगले 3 दिनों तक विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में हीट वेव रहेगी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में 2 अप्रैल तक तापमान 2 से 3 डिग्री ज़्यादा ही रहेगा। और 1956 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 मार्च को मुंबई में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि अब मुंबई में हीट वेव नहीं रहेगी, 2-3 दिनों में पारा गिरने की उम्मीद है। तो अगर आप मुंबई करें तो आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन बाकी सब जगहों पर गर्मी रहेगी। तो पानी पीते रहिएगा जरूर, क्योंकि कीप योरसेल्फ डिहाइड्रेटेड, इस समय में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जी उत्कर्ष, काफ़ी ज़रूरी है पानी पीना, और बेहद गर्मी पड़ रही है। मैं जिस भी इलाके की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश में बैठी हूं, यहां भी बेहद गर्मी है, पर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी आफत बनाई है। अब मौसम विभाग ने जताया है कि दिल्ली में अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में गर्मी का 70 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सीवियर हीट वेव की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में गर्मी का बन रहा है। नेशनल कैपिटल दिल्ली, सो द टेम्परेचर इज मेन, जो सिटी ऑब्जर्वेटरी इट इज गोइंग टू क्रॉस 39.5 बिकॉज टुडे लिटिल राइज इज देयर, सो इट मे रीच नियर 40 ऑल्सो। सो हीट वेव हैज बीन देयर फ्रॉम एस्टरडे, इट विल कंटिन्यू टुडे एंड टुमोरो ऑल्सो, देन ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड देयर विल बी सम फॉल 1-2 डिग्री, और हाई टेम्परेचर विल कंटिन्यू। And other parts of India, the heat wave, severe heat wave has been there over West Rajasthan. It will continue also, like Delhi. There will be some reduction 1st and 2nd April. South Haryana has been there. But for the Central India and Maharashtra, it will continue for next 5 days. Mm-hmm. Gujarat, again temperature will increase from 31st also. अब गर्मी बढ़ते ही पावर शॉर्टेज कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तो मार्च की शुरुआत से ही इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज से 2-4 होना पड़ा, जहां पे 15 मार्च को पीक पावर डिमांड 197 गीगावाट पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये डिमांड 186 गीगावाट थी। देखिए, गर्मियों में इस बार बिजली की जो रिक्वायरमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है, ऐसा सरकार का अनुमान है। क्योंकि इकोनॉमी में तेजी देखने को मिल रही है, जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो बिजनेस गतिविधियां हैं उसमें तेजी आ रही है। साथ ही साथ पिछले साल जिस तरीके से मानसून के समय में हमने देखा था अगस्त के महीने में कि कोयले का काफी शॉर्टेज हुआ था पावर प्लांट्स को और बिजली संकट हो गई थी, लिहाजा सरकार ने इस बार एहतियातन जो है सारे पावर प्लांट्स को ये कहा है कि उन्हें अतिरिक्त कोयला जो है, कोयले का स्टॉक जो है अपने पास रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। अब सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को इस बात के निर्देश दिए हैं कि उन्हें पावर सेक्टर को ही कोयले की सप्लाई में प्राथमिकता देना है। फिलहाल नॉन पावर सेक्टर जो है, जिसमें एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट है, स्टील है, उसको इस वक्त प्राथमिकता नहीं देना है। इस वक्त इस फैसले से एक तरफ तो जहां पावर सेक्टर्स हैं, जो पावर प्लांट्स हैं, उनको राहत मिलती हुई दिख रही है, लेकिन जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को
ये कहा है कि नॉन पावर सेक्टर्स के लिए जो शेड्यूल्ड कूल ऑप्शन है उसको फिलहाल रोक दिया जाए, अगले 3 महीने तक रोक दिया जाए और पावर सेक्टर को ही प्राथमिकता दी जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि यहां से नॉन पावर सेक्टर्स जो पहले से ही मुश्किलों में है कूल सप्लाई की वजह से, वो कैसे इससे निपटते हैं। धन्यवाद प्रकाश हमें बताने के लिए कि जिस तरीके से गर्मी का कहर है, पावर शॉर्टेज की दिक्कतें हो रही हैं, इसमें कोयले की मांग, अब सरकार ने फैसला लिया है कि पावर कंपनीज को ये कोयला जो है सबसे पहले पहुंचाया जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों को पहुंचा सके। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट्स की बात करते हैं, जहां पे वित्तीय वर्ष 2022 के आखिरी दिन आज बाजार में कारोबार देखें तो वो दायरे में दिखा, जहां पे हल्की कमजोरी दिखी हेडलाइन इंडिसीज में। निफ्टी करीब 33 अंकों की गिरावट और सेंसेक्स 115 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया, पर बैंक निफ्टी में मजबूती थी, वो आज के दिन हरे निशान में 40 अंकों की मजबूती के साथ बंदी दिखाई उसने। पर इसी के साथ कुछ मिड कैप शेयर्स भी थे जहां पे हल्की तेजी के साथ कारोबार हमने होते हुए दिखा। बट इसके अलावा बाजार में कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स में हलचल रही, ये सारी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो मंथली एक्सपायरी के दिन शुरुआत में एक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद हमने देखा बाजार में बिल्कुल फ्लैट कामकाज नजर आया। अब वित्त वर्ष 2022 का अंत और वित्त वर्ष 2023 की जब शुरुआत हो रही है तो FY22 के रिटर्न्स एक बार क्विकली देख लेते हैं। FY22 में निफ्टी में करीब 19.5% के रिटर्न्स देखने को मिले, साथ ही सेंसेक्स में हमने 18% तक के रिटर्न्स देखे। मिड कैप स्पेस की अगर बात करें 23% तक के रिटर्न्स के साथ सबसे आगे यहां पर देखने को मिला। और सेक्टोरल परफॉर्मर्स की अगर बात करें, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने करीब 61% की परफॉर्मेंस दिखाई और निफ्टी आईटी स्पेस ने 41% तक की परफॉर्मेंस दिखाई है। अब आ जाते हैं बाजार के एक्शन पर। निफ्टी में गेनिंग मोमेंटम हमने जेएसडब्ल्यू स्टील, एमएनएम, आईओसी, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में देखा, जहां अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा था। वहीं निफ्टी के लूजिंग कैंडिडेट्स अगर देखें, हिंडालको, डिविज लैब, आयश्रम मोटर्स, रिलायंस जैसे स्टॉक्स इस सूची में शामिल रहे, जहां पर लाल निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिला। टॉप ऑन द लिस्ट अदानी पावर, HAL, ऑयल इंडिया, AU स्मॉल फाइनेंस, कंटेनर कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक्स यहां पर साबित होते हुए दिखे, जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। अब आ जाते हैं सेक्टर परफॉर्मर्स और लूजिंग सेक्टर्स पर। मिड कैप में तेजी हमने देखी, स्मॉल कैप में और कैश स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर मोमेंटम देखें, ऑटोमोबाइल स्पेस, FMCG, मीडिया, निजी बैंक क्षेत्र अच्छी तेजी के बीच आज के सत्र में ट्रेड दिखा रहे थे। वहीं IT, मेटल, फार्मा और सरकारी बैंक क्षेत्र की तरफ से लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। तो ये तमाम सेक्टर्स थे जो कि बाजार को सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन साथ ही ऑटो, FMCG, मीडिया और प्राइवेट बैंक की तरफ से अच्छे सपोर्ट्स आते हुए दिखे। अब जब हमने एक्सपर्ट का पोल करवाया तो ज्यादातर जानकार का, अराउंड 60% एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 36,200 से 36,500 की रेंज में होती हुई दिखेगी, और ऐसा ही होता हुआ दिखा। और 55% एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि निफ्टी की एक्सपायरी 17,400 से 17,500 की रेंज में होती हुई दिखेगी, निफ्टी की एक्सपायरी भी इन्हीं रेंजेस में कटती हुई दिखी। तो क्लियरली इटी नाउ स्वदेश की तरफ से जो एक्सपर्ट का पोल बनाया गया था वो भी सही और सटीक साबित होता हुआ दिखा। निफ्टी में हमने फ्लैट कारोबार देखा, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस। धन्यवाद मानसी, ये सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स हमारे दर्शकों को हाईलाइट करने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं ऑटो सेक्टर पे, जहां पे वित्तीय वर्ष 2022 आज खत्म हो गया और जाते जाते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में नए झंडे गाड़ दिए हैं। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा ऑटो एक्सपोर्ट्स के कुल दिलचस्प आंकड़ों के साथ मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनके पास। डिम्पी, सरकार के महत्वाकांक्षी एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों की एक और कड़ी भी हमको और सामने दिखी है, वो ये है कि यहाँ पे टू व्हीलर का जो एक्सपोर्ट्स है वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर आज क्लोज हो जाएगा, लेकिन ठीक उससे पहले जो सरकारी आंकड़े आए हैं सैम की रिपोर्ट के मुताबिक पता लगा है, वो ये है कि इस बार हम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स करेंगे टू व्हीलर व्हीकल्स का। मैं धीरे धीरे करके आपके सामने आंकड़े उतारता हूँ। FY22 में ये जो रिकॉर्ड आंकड़ा है अब 40% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो पिछले 11 महीने में टू व्हीलर कंपनीज़ ने, जो देश की टू व्हीलर कंपनीज़ हैं, उन्होंने विदेशों में करीब 40 लाख से ज़्यादा गाड़ियों का शिपमेंट किया,
और ये भी 11 महीने का आंकड़ा है। अगर इसमें 12 महीना जो ये महीने के अगर नंबर्स भी जोड़ दें तो अमूमन ये करीब 50 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा, जो कि टू व्हीलर कंपनीज इस बार रिकॉर्ड नंबर्स लेके आएगी। 10 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिसमें भारतीय टू व्हीलर कंपनियाँ उन पर एक्सपोर्ट करती हैं, और ज़्यादातर देश लैटिन अमेरिका के हैं, अफ्रीका के हैं, कुछ हद तक दक्षिण एशिया के देश हैं जहाँ पर ये एक्सपोर्ट करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के मुकाबले जो टू व्हीलर व्हीकल का मार्केट है वो अपने आप में काफ़ी बेहतर है। अगर 80% शिपमेंट हो रहा है तो उसमें से अगर टोटल शिपमेंट हो रहा है तो उसमें से ज़्यादातर जो शिपमेंट का जो प्रोडक्ट है वो टू व्हीलर ही है, और उसमें देश की नामी ग्रामी कंपनियां जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, TVS ये सारी कंपनियां शामिल हैं। हमने जब इसमें और खगोला कि कौन कौन से 10 देश ऐसे हैं जहां पर टिपिकली ये टू व्हीलर्स को बेचा जाता है और अच्छे मार्जिन कंपनी एक्सपोर्ट्स के जरिए लेके आते, उसमें नाइजीरिया, नेपाल, कोलंबिया, बांग्लादेश, केन्या जैसी कंट्रीज शामिल थी, जिसमें ऑस्ट्रिया और युगांडा जैसे देश भी शामिल हैं। अमूमन ये थोड़े गरीब देश हैं इसलिए टू व्हीलर का बड़ा बाजार इनके पास है, और भारतीय कंपनी अपनी एफिशिएंसी के बेसिस पर वहाँ पे अच्छा से इनको बेच पाती हैं। हालांकि भारतीय बाज़ारों में अपने आप में अगर टू व्हीलर की सेल्स के आंकड़े देखें वो थोड़े चैलेंजिंग बने हुए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है कि यहाँ की जो टू व्हीलर वाली कंपनीज हैं वो रिकॉर्ड आंकड़े लेके आ रही हैं अपनी बिक्री के। धन्यवाद डिम्पी, ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमारे दर्शकों को हाईलाइट करने के लिए कि भले ही घरेलू बाजार में थोड़ी सी कमजोरी जरूर हो पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जितने भी ऑटो कंपनीज की बिक्री है वो काफी दमदार है, और साल 2022 के वित्तीय वर्ष में तो उन्होंने कमाल ही कर दिखाया। पर चलिए इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चुनौतियाँ तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आपकी भागीदारी। ईटी नाउ स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। देखो 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 नया टीवी देखो आ गई। सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वो ही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाए। ओ सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% शॉर्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी अरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट कर। पॉलिटिकल सवाल पूछना पहला कर्तव्य। टॉकिंग अबाउट सोनिया, राहुल एंड प्रियंका, यूनाइट पार्टीज अगेंस्ट द बीजेपी। हमने तब भी पूछा, मैस्कट फॉर 2040 संयम और इज्जत की राजनीति है। हम आज भी पूछते हैं, 25 सालों से लगातार जनता के सवाल पूछने वाली पत्रकार नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत है। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। Now gross NPA is coming down, not only in my bank but in most of the bank. If you will compare the data for the last 1 year, in every quarter now gross NPA of MSME is coming down. So that clearly shows that now the growth, not only growth is picking up, demand is picking up, but also the recovery part of MSME and this NPA trend is also reducing. Presenting partner, Punjab National Bank. स्वदेश आर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं महंगाई की, जहां पे आप देखें तो पेट्रोल महंगा,
गैस महंगी और रसोई गैस भी महंगी और महंगाई ने आम आदमी को जैसे चारों तरफ से घेर लिया है। इस बढ़ती महंगाई के बीच आपके रसोई का बजट कैसे बढ़ रहा है, जायजा लिया मेरी सहयोगी खुशबू तिवारी ने। आइए समझते हैं उनसे। खुशबू, महंगाई का आलम आप इन दो पैकेट मेरे सामने जो रखे हैं उनको देखकर ही समझ सकते हैं। पहला जो रिफाइंड ऑयल का 1 लीटर का पैकेट 8 फरवरी को मैन्युफैक्चर या पैक हुआ था, इसकी जो 1 लीटर का रेट है वो 180 रुपये है। वहीं ठीक एक महीने बाद जो 9 मार्च की पैकेजिंग वाला पैकेट है आप उस पर देखें तो रेट सीधा 230 रुपये आप देख सकते हैं, यानी एक महीने के अंदर ही 50 रुपये की बढ़ोतरी। यानी ये बात सिर्फ तेल की ही नहीं है, तेल के साथ ही आप चाहे कोई भी राशन का आइटम लें उन सभी में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे राशन में आप चावल लें या गेहूँ लें, इन सभी में पिछले एक महीने में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। यानी इस महीने जब आप किचन का बजट बनाएंगे तो इस बार ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। कमाई वही की वही लेकिन महंगाई चल पड़ी है सरपट चाल। सिर्फ एक महीने में ही महंगाई ने इस तेजी से करवट बदली है कि लोगों को अपना बजट संभालने का भी मौका नहीं मिला। आपने महीने भर की खरीदारी की लिस्ट बनानी शुरू कर दी होगी। किचन के लिए दाल चावल से लेकर आटा, सभी की खपत भले ही वैसी ही रहे लेकिन हर महीने जो खर्च आपने ग्रोसरी के लिए तय किया होगा वो अब काफी बढ़ने वाला है। तेल कम से अभी खरीदी भाव 195 जेमनी तेल आ रहा है, पहले एकदम सस्ता था, अभी पब्लिक गरीब आदमी कैसे खाएगा खरीद के, सबका भी धंधा सब चौपट हो गया है, ऑनलाइन पूरा खा गया है। ऑनलाइन में सस्ता माल मिलता है, दुकानदार भाड़ा भी नहीं निकलता है, तो कैसे क्या करेंगे अभी? अभी तो फिलहाल ऑयल में ही बढ़ोतरी आया है क्योंकि जो यूक्रेन का और इसका जो वार है उसके हिसाब से उधर से माल का जो आयात है वो नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से भाव बढ़ गया। गेहूं और दाल वगैरह में भी बढ़ देखिए कोई? उसमें भी समझो अभी एक्सपोर्ट चालू किया है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ोतरा ही है, 4-5 रुपया जो भी है। चीनी में तो अभी तक तो मिल ही नहीं है, चावल में थोड़ा बहुत बढ़ा है। पिछले एक महीने में हर ग्रोसरी आइटम की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मसलन 1 किलो गेहूं में 4 रुपए तक का उछाल, तूर और उड़द दाल में 3 से 5 रुपए की बढ़त, चावल में 2 रुपए प्रति किलो तक की बढ़त और तेल तो जनाब पूछिए मत। रिफाइंड ऑयल एक महीने में 40 से 50 रुपए तक महंगा हो चुका है। दूध और घी में भी महंगाई की मार दिखी है। आय बढ़ी नहीं तो लोग अब शॉपिंग की लिस्ट छोटी कर रहे हैं। बजट पे ऐसा असर पड़े, पहले से तो ये लॉकडाउन के वजह से तो बहुत नुकसान तो हमारा हो ही गया है, ऊपर से ये नहीं क्या बढ़ते भाव से भी बहुत बहुत सारा परिणाम हो रहा है। छोटे बच्चों का भी बढ़ गया है, तेल वगैरह सब कुछ जो बढ़ गए ना उसकी वजह से इतनी दिक्कत आ रही है ना हमको, जो हमारा एक महीने का जो बजट जाता था ना वो भी 15 दिन में आ गया। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना शायद इसे ही कहते हैं। एडिबल ऑयल के भाव रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के कारण एक्सपोर्ट में आई दिक्कतों की वजह से चढ़े हैं। तो वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़त दिखाती है कि प्रोडक्ट्स के अगले बैच में भाव और चढ़े हुए नजर आ सकते हैं। हर महीने की तरह राशन की पर्ची मैंने बना ली है, महीने की 31 तारीख हो चुकी है यानी नए महीने का राशन खरीदने की बारी आ चुकी है, लेकिन इस महीने जो इस पर्ची पे होने वाला खर्च है वो बढ़ने वाला है क्योंकि अगर आप गेहूं से लेकर चावल या किसी भी आइटम का दाम देखें वो सब आसमान छू रहे हैं और सब बढ़ रहे हैं, खास तौर पर तेल पर। गेहूं की बात करें तो वैरायटी के हिसाब से 2 से 4 रुपए तक का प्रति किलो उछाल देखने को मिला है पिछले एक महीने में ही। इसके साथ ही तूर दाल से लेकर उड़द दाल इनमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है, यहाँ भी 5 रुपए तक का प्रति किलो महंगा हुआ है। यानी अगर महीने भर में आपके घर परिवार में 5 किलो तक की खपत हो या 10 किलो तक की भी खपत हो तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका पूरे महीने का बजट इस बार थोड़ा बिगड़ने वाला है। खुशबू तिवारी, ईटीना स्वदेश। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको बताने के लिए कि किस तरीके से महंगाई हमें अपने पूरे जाल में पकड़ रही है और आने वाले समय में कोई राहत मिलेगी इसके भी कोई आसार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एयरलाइंस की, जहां से आप राकेश झुनझुनवाला की अकासा एयर अब जून से उड़ान भरने जा रही है।
जहां पे आज हमने कंपनी के एमडी और सीईओ विनय दुबे से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां पे उन्होंने कहा कि अकासा एयर की 2023 में इंटरनेशनल उड़ान शुरू करने की योजना है। तो फिलहाल तो कंपनी डोमेस्टिक से अपनी उड़ानें शुरू कर रही है, पर आगे जाके अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी भरती हुई नजर आएगी। और आइए सुनते हैं उनका वो खास इंटरव्यू जहां पे उन्होंने और भी चीजें हमसे शेयर करी। विनय दुबे जी हमें चुन रहे हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अकासा एयर। सबसे पहले मैं आपसे कुछ चंद बातें इंडस्ट्री की करना चाहूंगा, आपकी एयरलाइंस के पहले, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त टर्मोइल वाला समय है और बहुत सारे लोग ये बात क्वेश्चन कर रहे थे कि एक एयरलाइन का बिजनेस लॉन्च हो रहा है, वो भी ऐसे समय में, क्रूड ऑयल प्राइसेस 140 हो गए हैं। हालांकि हमने कई बार राकेश जी से ये बात काफी, उनको भी बहुत प्रोब किया, काफी पूछा, बट उन्होंने ज्यादा बताया नहीं। उन्होंने कहा कि मैं विनय को जवाब देने दूंगा, ये मैं अभी लीगली बाउंड हूं। लेकिन आप क्यों ना जवाब दें कि आपने जो बिजनेस प्लान बनाया था उसमें क्रूड प्राइसेस को किस तरह से फैक्टर इन किया था। जी देखिए, जब हम लोग बिजनेस प्लान बना रहे थे, क्रूड प्राइस का हम लोग ज्यादा देखते नहीं, क्योंकि क्रूड प्राइस हम कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हम 30 साल में रहे हैं एविएशन में और 30 साल में हमने क्रूड को $20 पर बैरल देखा है और $140 पर बैरल देखा है, तो ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जब हम लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग क्रूड का प्लान तो बनाते नहीं बिल्कुल, हम लोग बनाते हैं कि अपने कंज्यूमर कस्टमर को कैसे सर्विस करें, हम लोग के एम्प्लॉइज को कैसे सर्व करें, हम लोग की कितनी सस्टेनेबल इंडस्ट्री होगी और हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रूड के बावजूद कैसा होगा। तो ये हम लोग फोकस करते हैं जब हम लोग प्लान बना रहे थे, और हम लोग का फोकस ये था कि जब हम लोग के पास सबसे फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट है तो जो भी फ्यूल ब्रेंट क्रूड का प्राइस होगा कोई बात नहीं, हम लोग के पास तो एडवांटेज है, सबसे फ्यूल एफिशिएंट नए एयरक्राफ्ट हम लोग खरीद रहे हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं जब प्लानिंग स्टेज में है कि क्रूड की कितनी प्राइस होगी। दुबे जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बिजनेस प्लान में कस्टमर को आपने सामने रखा है, और मुझे कुछ सोर्सेस बता रहे थे कि आप इतना जबरदस्त कस्टमर एक्सपीरियंस देने वाले हैं, चाहे वो बढ़िया बढ़िया नाश्ता, चाय नाश्ता हो, या ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमर का आप इतना शानदार बना देंगे कि ये आपके लिए एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। अब हाँ बता सकते हैं, तो कस्टमर हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, कस्टमर और हम लोग के एम्प्लॉइज। और हाँ, हम लोग की उम्मीद है कि हम लोग कस्टमर की बहुत देखभाल करेंगे, और ये चाय नाश्ता का मामला नहीं है, ये है उससे ज्यादा हो जाता है कि हम लोग की ऑन टाइम परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हम लोग का टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो चाय नाश्ते के आगे हम लोग काफी सोच रहे हैं। राइट, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। दुबे जी, एक और बात ये है कि ये पहला एक वेंचर है जिससे राकेश जी भी एक इन्वेस्टर लोन से एक बिजनेसमैन बन रहे हैं, और वो अपने गुरु राधाकृष्ण दमानी जी के कदमों पर चढ़ रहे हैं। आप, आई एम श्योर आपकी बातचीत में भी काफी उनका जिक्र आया होगा, हम तो जब भी बात करते हैं वो यही बताते हैं हमारे गुरु राधाकृष्ण दमानी जी, और वो भी इन्वेस्टर से डीमार्ट वाया डीमार्ट बिजनेसमैन बने। आप ये बताइए कि एक, और आफ्टर ऑल रनिंग अ बिजनेस भी कैपिटल एलोकेशन का ही खेल है पूरा, इन्वेस्टिंग भी कैपिटल एलोकेशन का ही खेल है काफी हद तक। आपने अपनी बातचीत में साथ में मिलके काम करने के दौरान बिजनेस प्लान्स में कुछ बातें जो बार बार निकल के आई, जो आपको कॉमन लाइन ऑफ थिंकिंग मिली कि आप सब लोग मिलके ये बिजनेस एयरलाइन लॉन्च, ये एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, ये तीन चार तो काफी कॉमन बातें हैं। एक है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म एविएशन फ्यूचर क्या है, और ये हम लोग सब मिलजुल कर हम लोग ने डिसाइड किया कि इंडिया का एविएशन फ्यूचर तो अभी माने बहुत बड़ा होगा। 20 साल में 1000 हवाई जहाज तो आएंगे ही आएंगे, चाहे अकासा का हो चाहे किसी दूसरा का हो, लेकिन इंडिया में बहुत सारे हवाई जहाज आने वाले हैं। तो ये एक हम लोग ने देखा था कि जब एयरलाइन शुरू कर रहे हैं कि फ्यूचर का डिमांड क्या है, और उसके अलावा हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग को प्रॉफिटेबल रहना है तो हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर और
ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम की बहुत जरूरत है। तो ये दो तीन चीज हम लोग ने माने पहली बार तय किया था कि ऐसे हम लोग एयरलाइन बनाएंगे। दुबे जी, आप ऐसे भी समय पे आ रहे हैं, चलिए क्रूड का मामला तो थोड़ा कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एविएशन स्पेस में ये एक ऐसा समय अनलॉकिंग है, सब लोग रिवेंज ट्रैवल के मूड में हैं और आपके कंपेटिटर्स भी काफी अग्रेसिव हो रहे हैं, एक एयर इंडिया का एक नया अवतार आ रहा है और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, तो कंपेटिटिव लैंडस्केप कैसे देखते हैं, क्या प्राइस वॉर के लिए आप तैयार हैं टिकट्स पे, क्या आप कुछ और इतना ज्यादा जूसी डील्स देंगे ट्रैवलर्स को, हायर बैगेज अलाउंस या कुछ ऐसे? तो जब आप लैंड करेंगे स्पेस में, जून से आप एक्चुअली टेक ऑफ कर रहे हैं मैं तो कहूंगा, तो कैसी तैयारी है इस लाइन पे? हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह चल रही है, जून की उम्मीद है कि जून में हम लोग लॉन्च करेंगे अपनी फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट। लेकिन हम लोग अपने बिजनेस में फोकस कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, दूसरों को कंपेरेटर पर नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कहना है कि अगर हम अपने कंज्यूमर पर फोकस करेंगे, अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी पर फोकस करेंगे और अपने एम्प्लॉइज पर फोकस करेंगे तो सब माने आगे लाइन में हो जाएगा, हम लोग को चिंता नहीं। तो अभी तो हम अपने आप की तैयारी पर फोकस कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल, अभी तो ऑफकोर्स आप अनलिस्टेड हैं, बट क्या आगे चल के आपका शेयर मार्केट में भी आने का प्लान है? क्या आप अभी अपने 3 से 4 साल के लिए एक्सपेंशन के एडिक्वेटली कैपिटलाइज हैं या कुछ फंड रेजिंग का भी प्लान आगे जरूरत पड़ सकती है? नहीं, अभी तो खैर फंड रेजिंग का प्लान नहीं है, लेकिन 1 साल में 2 साल में 5 साल में क्या होता है ये हम कह नहीं सकते, और उम्मीद है कि काफी सालों के बाद जब हम लोग इस्टेब्लिश हो जाएंगे तो हाँ पब्लिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत आगे कहने की बात है। अभी तो हम लोग जून पर फोकस हैं, अपने कंज्यूमर्स पर फोकस हैं और एयरलाइन लॉन्च करने के लिए फोकस कर रहे हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल, देश में बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, छोटे छोटे शहर जो हैं वो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपका किस तरह का अप्रोच रहेगा? पहले देश भर में क्या आप इंक्रीज करना चाहेंगे अपना पेनिट्रेशन और उसके बाद आप ग्लोबली चाहेंगे, या अब तो वाइड बॉडी एयरलाइंस भी आ रही हैं, प्लेन्स भी आ रहे हैं, क्या आप ग्लोबल पे भी नजर है आपकी, किस तरह का प्लान है? तो हम लोग ने 72 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, ये बोइंग के नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, और अभी वाइड बॉडी की कोई माने सोच नहीं है, और करीब 12-14 महीने के लिए हम लोग इंडिया में सिर्फ उड़ाएंगे अपने जहाज, और उसके बाद माने सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करेंगे, और कहाँ इंटरनेशनली कहाँ जाएंगे तो हम लोग की माने हम लोग का एयरक्राफ्ट बोइंग 737 मैक्स है, वो करीब 5 और 6 घंटे के बीच में उड़ सकता है फुल लोड के साथ, तो यही हम लोग इंटरनेशनल में फोकस करेंगे जो इसके रेंज में है। तो इंतजार रहेगा कि कब अकासा एयरलाइन उड़ान भरेगी, और जितनी भी मैनेजमेंट की उम्मीदें हैं और जितना उन्होंने भरोसा जताया है कि अन्य एयरलाइन से बेहतर सर्विस देने की वो पूरी कोशिश करेंगे, इस पे हम जरूर नजर रखेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई की, जहां पे काली बिली टैक्सी की जगह पर रोड पर ओला उबर की मॉडर्न टैक्सियां भले आ गई, लेकिन पुरानी दिक्कतें अभी भी कायम है, जहां पे ड्राइवर की ना नकुर, बुकिंग के बाद कैंसिलेशन के लिए दबाव बनाना अब भी चल रहा है। लेकिन मुंबई में इसे निपटने के लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर देखिए हमारे स्पेशल सेगमेंट की ये खास रिपोर्ट। ओला उबर के ऊपर महाराष्ट्र सरकार की कसती नकेल, जब सुविधाएं ही सरदर्द बन जाएं तो कोई क्या करे। इसमें कोई शक नहीं कि ओला उबर ने रोजाना सफर करने वालों को सहूलियत दी है, लेकिन इसके साथ रोज रोज की किचकिच, इंतजार और ड्राइवरों की नानुकुर भी हकीकत है। लेकिन अब मुंबई में ऐसा नहीं चलेगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि MMRTA अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी आसान जरूर होगी, लेकिन कैसे यह आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। We'll be right back.
पीली टैक्सियों को ओवरटेक करके ओला उबर ने काफी हद तक मुंबई में अपने पैर जमा लिए हैं। एक समय था जब काली पीली टैक्सियों की मनमानी से मुंबई की पब्लिक का पारा लाल रहता था। टैक्सी ड्राइवर्स अपनी मर्जी से किसी को भी हाँ बोलते, नहीं तो बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ जाते। फिर साल 2014 के बाद हीरोइक एंट्री होती है ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस देने वाली ओला और उबर की। काली पीली टैक्सी वालों के रूखेपन से नाराज मुंबईकर्स के लिए ओला उबर ने अपने कार के दरवाजे और दिल दोनों ही खोले और काली पीली टैक्सी का मीटर हो गया थोड़ा डाउन। लेकिन वक्त बदला, समय गुजरा और अब ओला उबर पर भी काला पीला रंग चढ़ गया और फिर शुरू हुआ वही नानुकुर, शिकायतें और कोई सुनवाई नहीं का अंतहीन सिलसिला। इसलिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि MMRTA ने तय किया कि एग्रीगेटर कैब्स को भी अब लाइसेंस लेना होगा। अभी तक एग्रीगेटर कैब्स सिर्फ केंद्र सरकार के लाइसेंस पर चल रही हैं, लेकिन बात सिर्फ लाइसेंस लेने की नहीं है बल्कि कैब वालों को अपनी कई जरूरी बदलाव भी करने होंगे। एक ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा पर हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, इसलिए हमने मुसाफिरों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम तैयार किया जो कि केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक है। अभी ऐप बेस्ड कैब में सिर्फ ऑनलाइन रिड्रेसल सिस्टम है, यानी यात्री कोई कॉल नहीं कर सकता, लेकिन अब यात्री अपनी शिकायतों को लेकर अधिकारियों को सीधा कॉल कर सकेंगे। इसके लिए कैब एग्रीगेटर्स को 24/7 कंट्रोल रूम बनाना होगा। कंट्रोल रूम को कैब के हर मूवमेंट पर नजर रखनी होगी। ऐप में ही कंट्रोल रूम का नंबर दिया जाएगा जिसमें मदद इंग्लिश, हिंदी और मराठी भाषा में मिलेंगी। लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य अथॉरिटी किसी शिकायत या अनियमितताओं को लेकर ओला उबर से सवाल जवाब कर सकती हैं। साथ ही अगर ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का मामला बनता है तो उसे 2 दिन तक कैब चलाने से रोका भी जा सकता है। दरअसल ये कदम हाई कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बिना लाइसेंस के चल रहा ओला उबर का बिजनेस पूर्ण रूप से नियमों के विरुद्ध है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा अगर वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो। कोर्ट का ये फैसला एक PIL पर आधारित था जिसमें उबर यूजर्स की शिकायतों के निपटारे को लेकर एक प्रभावी मैकेनिज्म की कमी को उजागर किया गया था। ऐसा नहीं है कि ओला उबर में यूजर्स की सुरक्षा और शिकायतों के लिए नियम नहीं है। उबर ऐप में एक सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर रहता है जिसका इस्तेमाल ट्रिप के दौरान और ट्रिप खत्म होने के 30 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज शिकायत आपराधिक प्रकृति की है तो इसे 72 घंटे के अंदर दाखिल करना होगा। ऐसे में जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ड्राइवर कैब नहीं चला सकता। यात्री सुरक्षा के अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या है किराया। हालांकि ओला उबर के किरायों को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस पहले से मौजूद हैं, जिसके मुताबिक पीक आवर में सर्ज प्राइसिंग बेस फेयर के 1.5 गुना से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि लीन आवर में जब ग्राहक थोड़े कम होते हैं किराया काली पीली के किराए से 50% तक कम कर सकते हैं। नियमों के होने के बावजूद कैब ड्राइवर्स की मनमानी में कोई कमी नहीं है। मुसाफिरों की शिकायतें अब भी बहुत हैं। हालांकि मुसाफिरों की हमेशा से शिकायत रही है कि उन्हें अचानक ही किरायों में उछाल दिखता है। कैब ड्राइवर्स बुकिंग मंजूर करने के बाद ट्रिप कैंसिल कर देता है क्योंकि उसे यात्री के डेस्टिनेशन पर नहीं जाना होता। कई बार ड्राइवर्स यात्री पर जोर डालते हैं कि वो बुकिंग कैंसिल करें ताकि उन्हें पेनाल्टी ना भरनी पड़े। कई शहरों में कैब ड्राइवर बुकिंग लेने के बाद यात्री से ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। मजबूरी में यात्रियों को ड्राइवर्स की मनमानी के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। लाइसेंस प्रक्रिया के बाद क्या कैब एग्रीगेटर्स की इन समस्याओं से निजात मिलेगी या ये भी एक फॉर्मालिटी बनकर रह जाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ PK जैन जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं। जैन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तो कई पोजीशंस में बॉम्बे में काम किया है, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर कितना बड़ा हैसल था काली पीली टैक्सी जो थी उनको तो आप रेगुलेट कर सकते थे, लेकिन ये ओला उबर की जो टैक्सीज थी आपके समय में,
जी नमस्कार। सी प्रॉब्लम काली पीली के साथ में बहुत ज्यादा यही थी जो आपके अभी एंकर ने बताया कि वो बहुत हैरेसमेंट लोगों की हो जाती थी, वो अवेलेबल नहीं रहते थे, फेयर मना कर देते थे, बदतमीजी थी, गाड़ी साफ नहीं रहती थी, उनकी यूनियन है तो वो थोड़ा सा मिसबिहेव भी करते हैं पैसेंजर्स के साथ, इस तरह की काफी सारी शिकायतें आती रहती थी। और अगर आप किसी कंप्लेंट को करने के बाद में उसको कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी। तो जब से उबेर और ओला आई हैं तब से जो भी व्यक्ति काली पीली का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे उनको एक बड़ा समाधानकारक ऑल्टरनेटिव मिला और गाड़ियां अच्छी मिलने लगी, अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई। लेकिन जैसे जैसे उबेर और ओला का भी नेटवर्क बढ़ने लगा तो उनके साथ में भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम आने लगी। अभी जैसा बताया गया कि बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो फेयर मना कर देते हैं, क्योंकि जब गाड़ी बुकिंग होती है, जब कोई पैसेंजर अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए गाड़ी बुक करता है तो ड्राइवर को मालूम नहीं पड़ता कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। तो इमीडिएटली या तो वो कॉल करके पूछता है या व्हाट्सएप करके या उनके मैसेजिंग ऐप जो है उनकी ऐप के अंदर बिल्ट इन है उस पे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, फिर वो इंसिस्ट करता है कि आप अपना फेयर कैंसिल कर दीजिए। तो इनके साथ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। बहुत सारे केसेस दिल्ली में, खासतौर पे दिल्ली में और एनसीआर रीजन में हुए, जहाँ पे ड्राइवर्स ने पैसेंजर्स के साथ में और खासतौर पे लेडीज पैसेंजर्स के साथ में मिसबिहेव किया। तो और उनकी कंप्लेंट जो थी, क्योंकि इनका सिस्टम नहीं है वेरीफाई करके ड्राइवर्स को रखने का, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, अपना लाइसेंस देगा या गाड़ी की डिटेल्स देगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी है करना। तो जब तक उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी, जब तक वो पकड़ा जाएगा, फिर उसको सस्पेंड किया जाए या उसकी गाड़ी निकाल दी जाए सिस्टम में से, तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी था गवर्नमेंट के लिए कि इनको रेगुलेट किया जाए। और यह बहुत सारे जो जैसे आपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म अभी बताया है कि उनको 24/7 हेल्पलाइन रखनी पड़ेगी, उसमें एक अलार्म बटन रखना पड़ेगा अपनी गाड़ी में, उनकी ऐप के अंदर कुछ उन्होंने सेफ्टी फीचर्स बिल्ट इन करने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि ये जो उबेर और ओला का जो सिस्टम है वो थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, कंप्लेंट का जो ग्रीवेंसेस को सेटल करने का तरीका है वो थोड़ा रोबस्ट हो जाएगा, और होगा ही क्योंकि इनके ऊपर सरकार की नजर रहेगी। और अब क्योंकि लोकल सरकार भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसमें स्टेप इन कर रही है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा बेहतर होगा, ऐसी अपेक्षा है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये अपेक्षा कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंट्रोल मैकेनिज्म आने के बाद बहुत सारे ड्राइवर्स तो वैसे ही चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार रडार पे आ जाते हैं, और दूसरा जो है वो एक बार एक्शन लेना शुरू कर दिया, खुद थोड़े स्ट्रिंजेंट जो रूल्स अभी बिल्ड इन कर रहे हैं कि जब तक उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होगी तो 2 दिन तक उसको ऑफ रोड कर दिया जाएगा, इस तरह के जो कुछ प्रोविजंस हैं, तो ये इकोनॉमिकली हिट करने वाले भी हैं और क्रिमिनली भी हिट करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में पैसेंजर्स को काफी राहत मिलेगी, और ये जो ओला और उबेर का जो सिस्टम है ये थोड़ा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। पर चलिए इसी के साथ स्वदेश आर के इस बुलेटिन को समाप्त करने का वक्त हो चला है। प्रदेश और दुनिया और बिजनेस जगत की बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ईटीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।